शारदा घोटाले के मामले की जांच कर रही सीबीआई ने जब बंगाल के आईपीएस ऑफिसर राजीव कुमार से पूछताछ करने की कोशिश की थी, तब ममता बनर्जी सारी रात राजीव कुमार के घर पर धरना देकर बैठ गई थी। ऐसा ही कुछ सीबीआई के दफ्तर में उन्होंने तब किया जब नारद स्टिंग मामले में सीबीआई ममता बनर्जी के 2 मंत्रियों और 1 विधायक समेत 4 नेताओं को उठा कर ले गई। अब लगता है कि ममता बनर्जी के लिए अपनी धरना पॉलिटिक्स को आजमाने का एक और मौका जल्दी ही मिलने वाला है। वजह अल्पायन बंदोपाध्याय हैं, जिन्होंने केंद्र सरकार के आदेश का पालन करने से ज्यादा नौकरी छोड़नी पसंद की और ममता बनर्जी की छतरी के नीचे जा बैठे। पीएम मोदी की बैठक में मुख्य सचिव रहते अल्पायन बंदोपाध्याय ममता बनर्जी के निजी सचिव की तरह पेश आते हुए आधे घंटे लेट से पहुंचे और ममता बनर्जी के साथ 1.5 मिनट में वापस भी चले गए। मुख्य सचिव की इस हरकत के बाद केंद्र सरकार ने उन्हें दिल्ली तलब किया और DOPT के सामने पेश होने को कहा, लेकिन अल्पायन नहीं आए। अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के पूर्व सचिव अल्पायन बंदोपाध्याय के रिटायर होने से महज कुछ घंटे पहले आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसमें 2 साल तक की सजा और जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि बंदोपाध्याय के रिटायरमेंट से कुछ घंटे पहले सोमवार को केंद्र सरकार के आदेश का पालन करने के इनकार करने की वजह से नोटिस जारी किया गया। मतलब साफ है कि अल्पायन बंदोपाध्याय अपना बचाव नौकरी छोड़ने और ममता बनर्जी की छतरी के नीचे छुपकर बैठने से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि केंद्र सरकार ने एक तरफ से उन्हें अंदर करने का रास्ता साफ कर दिया है। सूत्र बताते हैं कि केंद्र सरकार के आदेश का पालन करने से इनकार करना आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51B का उल्लंघन होता है। सूत्रों का कहना है कि बंदोपाध्याय से 3 दिन के अंदर नोटिस का जवाब देने को कहा गया है। पश्चिम बंगाल काडर के 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी बंदोपाध्याय 60 वर्ष के होने पर सोमवार को रिटायर होने वाले थे, लेकिन केंद्र ने मौजूदा COVID-19 महामारी के प्रबंधन में उनके काम को देखते हुए उन्हें पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव के रूप में उन्हें 3 महीने का कार्य विस्तार दिया था। इसके बाद केंद्र ने एक आकस्मिक फैसले में 28 मई को बंदोपाध्याय की सेवाएं मांगी थी और राज्य सरकार को प्रदेश के शीर्ष नौकरशाह को तत्काल कार्यमुक्त करने को कहा था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मामले पर सोमवार को प्रधानमंत्री को पत्र लिखा और बंदोपाध्याय को सेवानिवृत्त होने की अनुमति देने के बाद उन्हें 3 साल के लिए अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।